हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। माँ, मेरा डब्बा जल्दी क्लियर कीजिए, बस निकल जाएगी। बस दो मिनट, तुम देखना अंबिका दीदी तैयार हुई कि नहीं। अंबिका जी, आप तैयार हो ना दीदी? हाँ, आप जवाब क्यों दे रही हो? वो मैं बस तैयार हूँ, आ ही रही थी। माँ आपको कब से बुला रही है, जल्दी कीजिए। अंबिका? हाँ माँ। क्या हुआ बेटा? कुछ नहीं, मैं बस आ ही रही थी। ये रहा तुम्हारा टिफिन। अंबिका, बेटी की जुबान पर भले ही ताला लगा हो, मगर बेटी की आंखें माँ को कभी धोखा नहीं दे सकती। तुम यही सोच रही हो ना कि मेरे ऑपरेशन के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? नहीं माँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपके ऑपरेशन का बंदोबस्त हो चुका है, परेशानी की कोई बात नहीं है। मेरे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि तुम्हारी मामूली सी नौकरी से तुम मेरा इलाज कैसे करोगी। देखो बेटा, अपने कंधों पे इतना बोझ मत लो, किसी ना किसी दिन तो हमें सभी को तो जाना ही है। बस माँ, अपनी जबान से मनहूस बात आप कभी मत निकालना, नहीं तो आप मेरा मरा मुंह देखेंगे। चल पगली, भगवान करे तुझे मेरी भी उम्र लग जाए। माँ, अच्छा चलो अब जल्दी से बाहर आ जाना, नहीं तो तुम्हारी बस निकल जाएगी। हाँ, जल्दी आना। अगर अपनी माँ की जान बचाने के लिए मुझे किसी और की भी जान लेनी पड़े ना, तो भी मैं नहीं हिचकिचाऊंगी। भैया फूल बाजार। अच्छा, इतनी हिम्मत पड़ गई तुम्हारी? बस यही रोक दीजिए। चिल्लाओ मत, मैं हूँ। सामान लाई हो? जी, वो मैं सिर्फ मार्को को दूंगी। चलो। कहाँ? मार्को के पास। मार्को, अंबिका। आओ अंबिका आओ, मार्को तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। लाओ माल दो। पहले मेरे पैसे। ये लो, पूरे हैं, चाहो तो गिन लो। उसकी कोई जरूरत नहीं है, बस मुझे इतना कहना है कि मुझे ड्रग्स का काम अब कभी नहीं करना है। पैसा और ड्रग्स जल्दी से गाड़ी में डाल। तेरी इतनी हिम्मत, तू यहाँ तक आ गया? लेटा बूंदा लोगे। पकड़ो उस लड़की को, उसके बैग में ड्रग्स है। जल्दी से अंदर बैठ, जल्दी। आउच।
थैंक यू नवीन, तुमने मेरी जान बचाई। अगर तुम नहीं होते तो शायद आज मैं जिंदा नहीं बचती। ये लो, दवाई लगा लो। मैंने इतनी बार मना करने के बावजूद भी तुम क्यों करती हो ये सब अंबिका? अब क्या करूं मैं? तुम्हें पता है ना, माँ की हालत दिन ब दिन कितनी बिगड़ती जा रही है। हर दिन वो मौत की तरफ एक कदम बढ़ा रही है। उनके ऑपरेशन के लिए मुझे खूब सारे पैसे चाहिए, और इतने कम समय में इतना सारा पैसा ऐसे ही कमाया जा सकता है? और अगर इस सब में तुम्हें कुछ हो जाता तो हमारे भविष्य का क्या होता अंबिका? तुम्हारा कौन सा भविष्य नवीन? तुमने तो अपना वादा भी पूरा नहीं किया। शादी की तुमने मुझसे? करूंगा अंबिका, मैं सब करूंगा। सही वक्त आने तो मैं खुद पापा से जाके बात करूंगा हमारे बारे में। बस तुम रहने दो, ये सुनते सुनते मेरे कान पक गए हैं। तुम बस अपने अश्विन भाई से डरते रहना, मत करना मुझसे शादी। चलो अब जल्दी चलो, मुझे अनाथ आश्रम छोड़ दो। अब आठ या पार कुछ भी हो जाए, मैं पापा और अश्विन भैया से बात करके ही रहूंगा। किट्टू, कब तक अपनी गुड़िया से खेलती रहोगी? नहीं, अभी मेरे को अपनी गुड़िया से बहुत सारी बातें करनी है। गुड़िया बातें नहीं करती? तुम दोनों से नहीं करती, सिर्फ मुझसे करती है। झूठ, मैं कभी झूठ नहीं बोलती। अंबिका दीदी, पता है ये लोग मुझे चिढ़ा रहे थे। क्यों परेशान कर रहे हो मेरी किट्टू को? दीदी, किट्टू झूठ बोल रही है। बोल रही थी कि उसकी डॉली उससे बात कर रही है। और हमें तो स्कूल में ये पढ़ा है कि गुड़िया निर्जीव होती है, तो वो बात कैसे कर सकती है? कर सकती है, जुबान से नहीं लेकिन दिल से कर सकती है। बिल्कुल वैसे ही किट्टू भी उसकी बातें दिल से सुनती है, है ना किट्टू? हाँ दीदी। चलो अब आप सब खेलो, आपके अंबिका दी को न्यू ईयर की पार्टी की खूब सारी तैयारी करनी है। अरे अंबिका, ये क्या हुआ तुम्हारे चेहरे पे? कुछ नहीं, बस वो आते टाइम एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था। और बताइए, पार्टी की योजना कैसी चल रही है? कैसी योजना? तुम चाहती हो कि हम सब बच्चों के लिए तोहफे लेकर आए, लेकिन इतना पैसा खर्च करने के लिए नहीं है हमारे पास, वरना बजट में गड़बड़ हो जाएगी। अरे सारा, ये लो, आ गए धनंजय सर। अब वही फैसला करेंगे कि पार्टी दिल खोल के होगी या कंजूसी के साथ। बच्चू, कैसे हो तुम लोग? ढेर सारे खिलौने, ढेर सारी मिठाइयाँ और ढेर सारी किताबें भी। रंजन, ये सारे गिफ्ट इन बच्चों को दे दो। चलो बच्चों, अपने अपने गिफ्ट लो। चलो चलो चलो। नमस्ते सर। नमस्ते। आइए। सब पैसे की बर्बादी है बस। चुप करो अश्विन, पापा ने सुन लिया ना, तो अभी के अभी तुम्हारी यहाँ क्लास लगा देंगे। चलो ठीक है, चलो अभी। अश्विन, और दादू के सारे बच्चे कैसे हैं? सब अच्छे हैं। और सुनाओ, पार्टी की तैयारी हो गई? सर वो दरअसल। क्यों, क्या हुआ? वो पैसों की तंगी की वजह से हम सोच रहे हैं कि पार्टी कैंसिल कर दें। खबरदार ऐसा ख्याल भी दिमाग में लाया तो। गौरानी, मोहित और सिल्विया के साथ जरा देखना तो कितना एक्स्ट्रा खर्चा आ रहा है, और उतने पैसे उनको दे देना। पापा, पापा ठीक तो हैं? पापा आपको लगे तो रीना? नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ। चंदन, ये तूने क्या किया? माफ कर दीजिए साहब, गलती से गिर गया। तेरी गलती से कितना बड़ा हादसा हो सकता था पता है तुझे? नीचे उतर तू। भैया जाने दो ना, गलती होगी बेचारे से। तू पीछे मत आना वीन। माफ कर दीजिए साहब। अश्विन सर रहने दीजिए, इसका कोई कसूर नहीं है। तेरी गलती माफी के लायक नहीं है, समझा? सर प्लीज, अब आप ओवरएक्ट कर रहे हो। मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं, तुम्हें समझाने की जरूरत नहीं है मुझे। नवीन नहीं हूँ मैं, समझी? कमाल है भैया, अब इस सबके बीच में मैं कहां से आ गया? सब कुछ जानता हूँ मैं, सब देख रहा हूँ, क्या चल रहा है यहाँ पे, अंधा नहीं हूँ मैं। अश्विन बस करो तमाशा, खुशी के मौके पर जहर मत घोलो। आप तो मुझे ही कहोगे ना, नवीन की तरह लाडला नहीं हूँ ना मैं आपका। ओहो, कब जाएगा इसका बचपना? पापा आप प्लीज भैया की बात का बुरा मत मानिए, मैं जानता हूँ आपसे बहुत प्यार करते हैं। लीजिए पापा, ले आई मैं इन्हें। जितनी जल्दी इन्हें गुस्सा आता है ना, उतनी जल्दी शांत भी हो जाता है। अरे चलो चलो, अपने अपने काम पे लग जाओ। अरे पार्टी को कुछ ही घंटे बचे अभी। गौरानी, कुछ पैसे अंबिका को दे देना, आज के पार्टी की खरीदारी के लिए, ठीक है? जी मैं अभी दे देती। ये लो अंबिका। थैंक यू। परम, तू भी जा साथ में। ठीक है साहब, चलिए मैडम। चलो चलो जल्दी। अंबिका दीदी, अंबिका दीदी,
मुझे भी आपके साथ चलना है। अच्छा आपको भी चलना है, चलो। अंबिका दीदी, अंबिका दीदी, हम लोग वो हवे में उड़ने वाले गुब्बारे भी खरीदेंगे। हाँ किट्टू, और जैसे ही रात के 12 बजेंगे ना, हम सारे गुब्बारों को हवा में उड़ा देंगे नए साल का स्वागत करने के लिए। क्यों अंबिका दीदी, पुराने साल का क्यों नहीं? क्योंकि पुराने साल को हम अलविदा कहते हैं। अलविदा मतलब? अलविदा मतलब टाटा बाय बाय। अब बोलो अलविदा मतलब? टाटा बाय बाय। वेरी गुड। इसी वक्त एक फोन आना था, अब यहाँ पर उठाऊं कैसे? हेलो, क्या अभी? अरे यार, अच्छा ठीक है। अरे रंजन सुन, आगे चलकर गाड़ी जरा साइड में रोकना। तो क्यों? थोड़ा काम है अंबिका जी। इस वक्त? ज्यादा देर नहीं लगेगी, बस 2 मिनट। अच्छा ठीक है, जल्दी करना। हाँ भैया, अभी तक नहीं आया है परम। 2 मिनट कह के गया था, काफी टाइम हो गया है, जाके देखो ना। पता नहीं मैडम कहाँ चला गया, सबर रखिए, आता ही होगा। ये किसी काम के नहीं है, मुझे खुद ही जाके देखना पड़ेगा। किट्टू तुम अपना ध्यान रखना बेटा। हाँ अरे अंबिका मैडम, मैडम मेरी अंबिका दीदी को उठाओ ना। कितनी क्यूट बच्ची है। बेटा आप अकेले क्यों घूम रहे हो? हम अपने मम्मी पापा के पास जाओ। कोई मेरी मदद क्यों नहीं कर रहे? मुझे पता ही नहीं चला बच्ची कब गाड़ी के सामने आ गई। आप ठीक हो ना? दिखाओ। थैंक गॉड ज्यादा चोट नहीं लगी, वरना मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाता। शिखर अर्जुन, हादसा था, तेरी गलती नहीं भाई। आप लोग वही है ना, बॉक्स क्रिकेट लीग वाले? अब जी हाँ, प्लीज यहाँ भीड़ इकट्ठी मत कीजिए, वरना बच्ची डर जाएगी। हाँ लेकिन गाड़ी थोड़ा संभल के चलाया करिए ना, वरना उससे कुछ हो जाता तो। सॉरी गाइस, अगली बार ध्यान रखेंगे। प्लीज थैंक यू। बेटा आपके मम्मी पापा कहाँ हैं? नहीं है। तो फिर आप यहाँ अकेले क्या कर रहे हो? मैं अपनी दीदी के साथ आई थी। तो आपकी दीदी कहाँ है? वो उठ नहीं रही। उठ नहीं रही है, क्या हुआ उन्हें, कहाँ है वो? अच्छा एक बात बताना, आपको पता है कि आपकी दीदी यहाँ पर कहाँ है? सो रही है अंबिका दीदी। खून? किशोर शी इज डेड, उसकी नब्ज नहीं चल रही है। ये तो मर्डर केस लगता है यार अर्जुन। शायद। क्या करेंगे हम? तुम एक काम करो, तुम सुरेश को बोलो किट्टू को ऊपर लेकर जाए, मैं सीआईडी को फोन करता हूँ। ओके चाकू का वार है, बस एक ही वार। और ये लड़की इस गोडाउन में कर क्या रही थी, वो भी उस छोटी बच्ची के साथ? अभी पता चल जाएगा। लगता है ये कोई प्लान करके मर्डर नहीं हुआ, क्योंकि प्लान करके मर्डर करते तो शायद किसी सुनसान जगह में ले जाके इसे मारते। ये तो चालू गोदाम है, आटे चावल की बोरियां रखी हुई हैं सब। सर अगर प्लानिंग के साथ खून नहीं किया है तो यहाँ पे सबूत जरूर मिलेंगे, है ना? ये देखो, ये जूते का निशान है, शायद खूनी का ही होगा। और देखो आसपास क्या क्या मिलता है। चमनती बैग चेक करो इसका। यस सर। किशोर जी, अब आप लोग यहाँ गोदाम में आए, किसी और को देखा है यहाँ पे?
नहीं सर, यहाँ पर कोई नहीं था। किसी को बाहर भागते हुए देखा हो? नहीं। सर, इसके बैग से ये ड्रग्स और गन मिली। गन? तो लड़की भी मुजरिम थी। सर, शायद इसे अंदाजा था कि इसकी जान को खतरा है, इसीलिए इसने अपने पास गन रखी हुई है। लेकिन गन चलाने का मौका ही नहीं मिला। क्या हो गया है समाज को? ये लड़कियां ड्रग डील करने आई थी और अपने साथ उस मासूम सी बच्ची को भी लेकर आ। अच्छा, वो बच्ची ने इसका नाम अंबिका बताया था ना? जी सर। सर, आईडी पे भी यही नाम, अंबिका। सर। हाँ प्रेडी। ये जला हुआ कागज का टुकड़ा मिला है, किसी अखबार का टुकड़ा लग रहा है। लगता है हाल में ही जलाया गया है। सर, लगता है कोई खास चीज थी इस अखबार में, वरना कोई क्यों जलाएगा इसे। खास चीज क्या है वो भी पता चल जाएगी। मयूर, गाड़ी में जाओ, इक्विपमेंट लेके आओ और संभाल के कागज उठाओ, फॉरेंसिक भिजवा दो। सर, चलो बच्ची से मिलते हैं जरा। जी सर। आप चॉकलेट खाओगे? मुझे कुछ नहीं खाना, मुझे दीदी के पास जाना है। दीदी क्यों नहीं आई? बेटा, दीदी ने कहा है वो बाद में मिलेगी आपसे। बाद में मैं क्या करूंगी? आप हमारे साथ चलोगे, हम आपको बहुत अच्छी जगह लेके जाएंगे। मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे दीदी के पास जाना है। बेटा, ऐसे नहीं कहते, जिद नहीं करते। ओके, ये अंकल बहुत अच्छे, ये आपका बहुत ख्याल रखेंगे। जयवंती। जी सर। इसको जरा गाड़ी में लेके जाओ। जी। आपको बहुत सारी चॉकलेट मिलेगी। खाओ किट्टू। और आइसक्रीम भी। बाय बोलो। बाय। उम्मीद है आप लोग ये केस जल्दी सुलझा लेंगे और आज जो कुछ भी हुआ उसका असर इस बच्ची के सुनहरे भविष्य पर कभी ना पड़े। आप फिक्र मत कीजिए किट्टू, अब हमारी जिम्मेदारी है। जब तक उसकी सुरक्षा का पूरा इंतजाम नहीं हो जाता वो हमारे पास रहेगी। और आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, एक अच्छे नागरिक होने का फर्ज अदा किया आपने। भगवान के भी क्या क्या तरीके होते हैं लोगों को जोड़ने के। अगर ये बच्ची हमारी गाड़ी के आगे नहीं आती तो शायद हम इसकी मदद कभी नहीं कर पाते। वो तो है। खैर, आप लोग को जाना होगा ना, आपका मैच है वो अहमदाबाद एक्सप्रेस और दिल्ली ड्रैगन्स के बीच में सेमी फाइनल यार। वाह, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। टेस्टी है ना? अरे वाह, किट्टू की और जयवंती की तो अच्छी दोस्ती हो गई है। अरे तुमने किट्टू के साथ वो गेम खेला कि नहीं? कौन सा गेम? अरे वो सवाल जवाब वाला गेम। ठीक है। अच्छा बताओ, पहला सवाल, आपका फेवरेट कलर कौन सा है? पिंक। पिंक, अरे वाह। और फेवरेट फ्रूट कौन सा है? अंगूर। अंगूर। और आज सुबह ब्रेकफास्ट में आपने अंगूर खाया था? नहीं, सैंडविच। सैंडविच। ये देखो, सब जीतती जा रही हो तुम, गेम जीतती जा रही हो। अच्छा एक सवाल और बताओ, आप और अंबिका दीदी कहाँ जा रहे थे? हम सब बाहर गए थे। कहाँ बाहर बेटा, किसके साथ? मैं, अंबिका दीदी और रंजन अंकल और परम अंकल। और फिर अंबिका दीदी को ढूंढते हुए बड़ी जगह पर आई, फिर देखा दीदी वहां पर सोई हुई है। कोई बात नहीं बेटा, हम अंकल को बुला के बहुत जोर से डांटेंगे। हैं? बेटा आप कहाँ रहते हो? मुझे नहीं पता। कोई बात नहीं, आप हमारे साथ रहेंगे, हम ढूंढेंगे आपका घर। हैं? चलो हम सोने चले, अभी थोड़ी देर निन्नी कर लो, आ जाओ। वेरी गुड। इतना तो तय, ये इन दोनों आदमियों का हाथ है इस जुर्म में। इस कार का भी तो पता नहीं चला जिसमें वो दोनों आए थे।
इस कार का पता चल जाए तो उन दोनों आदमी तक तो पहुंचा जा सकता है। सर, ये अंबिका की माँ है और ये उसकी छोटी बहन प्रीति। किसने मारा मेरी दीदी को? परम और रंजन को जानते हैं आप लोग? ये नाम तो हम पहली बार सुन रहे हैं। देखिए, अंबिका के साथ ये हादसा 22 गोदाम में हुआ है। आप लोग बता सकते हैं कि वहाँ 22 गोदाम में क्यों गई होगी वो? कुछ पता नहीं, पर अंबिका का वहाँ क्या काम होगा? वो तो वत्सल अनाथाश्रम में काम करती थी। अनाथाश्रम? हमें अंबिका का बैग मिला है, इसमें ये गन और ये ड्रग्स मिली है। इसके बारे में कुछ जानकारी है आप लोगों को? अंबिका के साथ हमें एक छोटी बच्ची मिली थी, किट्टू नाम है उसका, उसे जानते हैं आप? ये है वो बच्ची। हम इसको नहीं जानते। अच्छा, ये अनाथ आश्रम कहाँ पे है? वो कीर्ति नगर में। अरे माँ, अरे माँ, माँ उठिए माँ। क्या 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 हुआ क्या इनको? इन्हें कैंसर है, इन्हें जल्दी हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। पानी लेके आओ, रेडी, एम्बुलेंस भेजो जल्दी भेज। सर, आधे घंटे से फोन मिला रहा हूँ मगर अंबिका फोन उठा ही नहीं रही है। अरे फिर से ट्राई करो ना। पापा, ये अंबिका कहाँ चलेगी परम और रंजन के साथ? वो दोनों फोन ही नहीं उठा रहे। वो भी नहीं उठा रहे? वो भी नहीं मतलब, और कौन फोन नहीं उठा रहा है? सर, अंबिका भी नहीं उठा रही है फोन। अरे वो फोन उठाएगी भी नहीं। क्या मतलब? देखिए, हम लोग सीआईडी से हैं और जो बात हम लोग करना चाहते हैं वो बच्चों के सामने नहीं हो सकती, इसलिए प्लीज जरा इन्हें। राजू, बच्चों को जरा अंदर ले जाना है। क्या बात है, सीआईडी और यहाँ? अंबिका का खून हो गया है। पापा, मैंने आपको कभी बताया नहीं, पापा मैं अंबिका से बहुत प्यार करता था और आज जब मैं आपको ये सब बताना चाहता हूँ तो वो हमारे बीच नहीं है। संभालो अपने आपको। देखिए, अंबिका के बैग में हमें एक गन मिली थी और ड्रग्स के पैकेट। किसी को इसके बारे में कुछ मालूम है? सर, अंबिका की माँ को कैंसर था सर, उनके इलाज के लिए पैसा जमा करवाने के लिए वो कभी कभी ड्रग्स सप्लाई किया करती थी सर, लेकिन सर ये उसकी आखिरी डील थी, वो इसके बाद ये सारा काम छोड़ने वाली थी सर। और सर, अंबिका के साथ में मेरा ड्राइवर और बॉडीगार्ड भी थे, वो दोनों? हाँ, वो दोनों वहाँ से भाग गए और इसीलिए हमें शक है कि अंबिका के खून में उन दोनों का हाथ है। सर, अंबिका के साथ एक छोटी बच्ची भी थी, किट्टू, वो ठीक तो है? वो ठीक है, हमारे पास है, मगर जब तक ये केस सॉल्व नहीं हो जाता वो हमारे पास ही रहेगी। मगर ये सब हुआ कैसे? हमें सिर्फ इतना पता है कि अंबिका आपके बॉडीगार्ड को ढूंढने के लिए गई थी और फिर उसका खून हो गया। मुझे पहले से ही शक था इस बॉडीगार्ड पे। आज सुबह भी जब पापा पे कांच गिरा ना तो वो खड़ा खड़ा मच्छर मार रहा था। कांच गिरा था? पापा, हो सकता है वो हादसा ना हो। वो चंदन कारपेंटर और वो बॉडीगार्ड आपस में मिले हुए होंगे। अगर वो दोनों मिले हुए थे और इनका खून करना चाहते तो वो अंबिका को क्यों मारेंगे? हमें तो लग रहा था कि अंबिका की मौत की वजह वो ड्रग्स है। नहीं सर, सर ड्रग्स वाले गिरोह से तो मैंने अंबिका को पहले ही बचा लिया था सर। सर, इस पे जरूर किसी और का हाथ है। ठीक है ठीक है, ये ड्रग्स के बारे में काफी कुछ जानता है, इस पर नजर रखनी पड़ेगी। हाँ मोहन, कहाँ? अच्छा ठीक है सर, वो कार मिल गई है जिसमें ड्राइवर और बॉडीगार्ड दोनों थे। कार कहाँ है? हमारे पुराने ऑफिस के सामने, लेकिन वो दोनों लापता है। काफी चालाक है दोनों, उन्हें पता था कि कार के जरिए उन तक पहुंच जाएंगे, इसलिए गाड़ी छोड़ के भाग गए। उन लोगों को पकड़ेंगे कैसे आप लोग? जरूर पकड़ेंगे। आप जरा उन दोनों की फोटो दीजिए हमें। Thank you.
देखा सचिन, इसे कहते काम करने का स्टाइल। हमारे सीआईडी के दो दो काबिल डॉक्टर्स काम में इतने मशगूल हैं कि उन्हें पता तक नहीं हम यहाँ लैब में आ गए जी। और हमारी इस मेहनत का नतीजा सुन करके थैंक यू वेरी मच सालू के बोल के निकल मत पड़ना। सर लगता है सालू के साहब के हाथ कोई बहुत बड़ा सुराग लग गया है। उस जूते के निशान से मुझे टर्पेंटाइन और लकड़ी का चूरा मिला है। सर हो सकता है लकड़ी का काम करने वाला कोई कारीगर हो। बिल्कुल हो सकता है श्रेया। मतलब सर खूनी कोई लकड़ी का कारीगर है या फिर उसने किसी लकड़ी के कारीगर से मदद ली हो। एक और सबूत सर। क्या? इस अंबिका के शरीर पर ये जो घाव है ये 5 इंच गहरा है और इसमें से मुझे मछली का तेल और समुद्री नमक मिला है। मतलब सर इस केस में एक लकड़ी का कारीगर शामिल है और एक मछुआरा भी। हो सकता है, लेकिन अगर इन दोनों लोगों के पास हमें पहुंचना है तो फिर सड़ुंखे हमें मदद होगी उस जले हुए अखबार की। नहीं, वो अखबार वाला सुराग इतनी आसानी से नहीं मिल सकता है। जल्दी नहीं मिलेगा क्यों सर? निखिल, उस अखबार की हालत बहुत खराब है। कागज फट के बिखर ना जाए इसलिए पहले उसे टेस्ट के लायक बनाना पड़ेगा। चलो फ्रेडी। क्या पता चल गया? ठीक है सर, उस गोदाम का मालिक कुशल हमारे हाथ लग गया सर। गोदाम का मालिक कुशल? ये है इस गोडाउन का मालिक कुशल, कहता है अंबिका को नहीं जानता। तो उसका खून तुम्हारे गोडाउन में कैसे हुआ? पता नहीं सर, इस गोदाम में तो मैं आता ही नहीं हूँ सर। सर मेरे पास 20-25 ऐसे गोदाम है, हर एक में मैंने एक एक मैनेजर रखा हुआ है। यहाँ का कौन मैनेजर है? सर उसका नाम कोका है। बुलाओ जरा उसे। सर मुझे तो सीआईडी के चक्कर में फंसा के कहीं चला गया सर, अब तो उसका फोन भी नहीं लग रहा है। सर ये है कोका का बायोडाटा। देखो ये जो कांच की शीट है ना, ये साधारण कांच नहीं, स्पेशल ग्लास है। इसे हम कितना भी तापमान दें, कितनी भी ऊर्जा दें, इसे गर्म करें, इस कांच का कुछ नहीं बिगड़ेगा। लेकिन ये कांच गर्म होगा और अपनी गर्मी इस अखबार के टुकड़े को ट्रांसमिट करें और ये अखबार का टुकड़ा एकदम गर्म हो जाएगा और इसलिए इस पर जो लिखा हुआ है वो एकदम साफ दिखाई देगा। मैं बताता हूँ। सरबोरा 7/286 कोका का घर। अभी पता चल जाएगा कि एड्रेस असली है नकली। कमर तोड़ दी। अभी तो सिर्फ तेरी कमर तोड़ी है, अगर अगली बार मुझे और मेरे बच्चों को परेशान किया ना तो तेरी हड्डियां तोड़ दूंगी, समझा? समझ गया। एक मिनट मैडम, ये आप क्या कर रहे? आपसे मतलब? जी हाँ, मतलब है क्योंकि हम लोग सीआईडी से। सीआईडी? अच्छा हुआ साहब आप लोग आ गए। इस चमेली ने पहले अपने पति पर गुंडागर्दी की, अब अपने मकान मालिक पर, यानी कि मुझ पे। पति पे गुंडागर्दी? तो क्या करूँ साहब, कल मैंने अपने पति को घर से निकाल दिया और आज ये मुआ मकान मालिक मुझे और मेरे बच्चों को घर से निकालने आ गया। हर महीने टाइम से भाड़ा देते लेकिन बिल्कुल चैन से नहीं रहने देता ये। क्यों भाई, जब ये लोग समय पे किराया भर रहे हैं तो फिर क्यों निकालना चाहते उन्हें? अरे ये क्या बोलेगा, मैं बताती है साहब, इसको दूसरी पार्टी मिल गई है जो हमसे ज्यादा भाड़ा देने को तैयार है, तो इसने सोचा इस अबला नारी को और मासूम बच्चों को उठा के बाहर फेंक देंगे और उसको किराए पे दे देगा घर। तुमने ऐसा कैसे सोच लिया कि पति घर पे नहीं है तो माँ और बच्चों को घर से निकाल दोगे तुम? देखो ऐसी गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए, समझे? चलो निकलो। अरे बाप। अच्छा ये कोका मिलेगा कहाँ? पता नहीं साहब, लेकिन आप लोग उनको क्यों ढूंढ रहे हैं? अब क्या किया उसने? एक अंबिका नाम की लड़की है जो अनाथ आश्रम में काम करती थी, उसका खून हो गया है और हमें शक है कि इसमें तुम्हारे पति कोका का हाथ हो सकता है। क्या कहा आपने?
अनाथ आश्रम वाली लड़की? हाँ, क्यों? साहब वो कल किसी से फोन पे बात कर रहा था कि वहाँ बहुत बच्चे होंगे, उन्हें कुछ नहीं होना चाहिए। शायद वो उसी लड़की के अनाथ आश्रम वाले बच्चों की बात कर रहा था। कहीं ऐसा तो नहीं कि अनाथ आश्रम में न्यू ईयर की पार्टी में कुछ होने वाला है, किसी पे हमला? तो शायद अंबिका को इस बारे में पता चल गया था, इसलिए उन लोगों ने अंबिका को मार दिया। सर हो सकता है वो कारपेंटर चंदन भी इस सब में शामिल, जिसने धनंजय पे वो कांच गिराया था। हो सकता है। अच्छा ये चंदन नाम का कारपेंटर, ये कोका का दोस्त है ना? हाँ है ना साहब, लेकिन उसका अता पता मत पूछिए मुझसे, वो भी मेरे मर्द की तरह एकदम आवारा है, इन लोगों का कोई पता ठिकाना नहीं होता साहब। कारपेंटर का काम तो अक्सर ठेके पे किया जाता है। निकले काम करो, पता करो कि चंदन को काम पे किसने भेजा था, और पार्टी शुरू होने से पहले हमें ये पता करना होगा कि हमला किस पे होने वाला है। गाड़ी में होता है क्लच, ब्रेक और गियर। हम सब की तरफ से आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। अरे कौन है आप लोग? हम लोग बनी डेकोरेटर से आए हैं, आज शाम की पार्टी के डेकोरेशन का सामान और खाने पीने का केटरिंग का सामान लेके। ये अंबिका जी ने ऑर्डर दिया था। अंबिका खुद आपके पास आई थी? अरे नहीं, फोन किया था उन्होंने। हमारे पास रिसीट है ना, ये देखो ये ऑर्डर की रिसीट है। लाओ इधर। अच्छा ठीक है, आप लोग काम शुरू कर सकते हो। आइए। सब पे कड़ी नजर रखना, सब शक के दायरे में है। देखो न्यू ईयर पार्टी में जरूर कोई ना कोई गड़बड़ होने वाली है, कोई बड़ी गड़बड़ होने वाली है, मुझे इन्फॉर्म करते रहना। ओके बोल सारुंखे, तेरा अखबार तो गर्म हो गया, अब कब दिखाएगा खास बात? अरे दिखेगा, बस दिखेगा। लाइट ऑफ करो। तारिका रेडी? या देखो बस, ये कांच एकदम रेड हॉट हो गया है, अब इसका टेम्परेचर इस अखबार के कागज पर ट्रांसमिट होने दो। ग्रेट, अब ये ट्रांसमिट हो गया है। अब बॉस, हम इस अखबार के कागज पर ये जेल्फा रेस डालेंगे। जेल्फा रेस की वजह से इस पर लिखा हुआ जो कुछ भी है वो एकदम साफ नजर आने लगेगा। तारिका लेट्स ऑफ। ये देखो स्केच है, और स्केच में किसी का खून होने जा रहा है। लगता है वो जगह हमारे उसी अनाथ आश्रम की जैसे लग रही है। खून उसी अनाथ आश्रम में तो नहीं होने वाला? पहले धनंजय के ऊपर वो क्लास करा, उसके बाद बॉडीगार्ड का पीछा करते हुए अंबिका मारी। जरूर एक कुमार फैमिली में से किसी की जान को धोखा है। सर अंबिका की मौत को कुछ घंटे भी नहीं हुए और हम यहाँ पार्टी कर रहे हैं, बहुत खराब लग रहा है सर। जानता हूँ शिविया, मगर कहते हैं ना शो मस्ट गो ऑन। फ्रेडी जी इतनी अच्छी पार्टी है ना, मुझे तो मेरे बचपन की याद आ गई। ओए 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 शंभू, जमीन हिल रही है, चल। देखो श्रेया, वो चंदन कारपेंटर है ना, उसके ठेकेदार से पता लगाओ ये चंदन कहाँ पर मिलेगा, और उठा लो उसे। और उसका जो दोस्त कुका मैनेजर, वो पहले मछुआरा था, उसी के चाकू से अंबिका का खून हुआ, उसका भी पूरा पता लगा।
और मुझे बताते रहना, ओके? सर मुझे तो चिंता हो रही है कि उस अपराधी और उसके शिकार के मुठभेड़ में उन बच्चों को कहीं कुछ होने जाए। उन बच्चों को कुछ भी नहीं होने देंगे। हो गए सारे? हाँ, हो गए। अश्विन आओ भाई। 11:15 बज रहे, एसीपी साहब बस आने ही वाले होंगे। तो बच्चों अब वक्त आया है बच्चों को प्राइज देने का। हालांकि हर बच्चे ने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन पहला प्राइज जाता है चीकू को। पापा अरे परम, तू तुझे हमने हमारी रक्षा के लिए रखा था, ना कि हमें मारने के लिए। तुम दोनों कर रहे हो ये सब? उठ, बताओ जल्दी क्यों किया तुमने ये? सर मुझे पैसे मिले थे धनंजय और अश्विन को मारने के लिए। किसने दिए थे पैसे? हमें पता नहीं। हमें पैसे और चेतावनी मिली थी और बस हम अपना काम करते चले जा रहे थे, लेकिन हमारी प्लानिंग के बारे में अंबिका जी को मालूम पड़ गया, इसलिए बेचारी को मुफ्त में अपनी जान गंवानी पड़ी। सर ये है कहानी में ट्विस्ट, कारपेंटर चंदन। मैंने कुछ नहीं किया। तो फिर किसने किया? किसने किया? साहब मुझे पैसे दिए गए थे आज सुबह धनंजय साहब पे कांच गिराने के लिए। किसने दिए थे पैसे? सब मुझे पता नहीं, घर के बाहर चिट्ठी और पैसे छोड़े थे उस आदमी ने। उस चिट्ठी में लिखा हुआ था कि धनंजय साहब को कांच लगना नहीं चाहिए, बस उनके पास जाकर गिरना चाहिए। धनंजय साहब को कांच नहीं लगना चाहिए। वाह रे वाह, धनंजय साहब बड़ा गजब का दुश्मन है, आप पर गोली चलाता है मगर गोली आपके हाथ को चाट कर चली जाती है। वाकई सर, हर इंसान का दुश्मन धनंजय जी के दुश्मन जैसा ही होना चाहिए। बिल्कुल। ये क्या कर रहे हैं पापा? ए, पापा वापा नहीं हूं मैं तुम्हारा, भाई रुपया हूं मैं, भाई रुपया। आज से 30 साल पहले तुम्हारा परिवार दक्षिण अफ्रीका में था, वहां एक हादसे में तुम्हारे माँ बाप मारे गए, तो तुम्हारे मरे हुए बाप का नाम लेके मैं यहाँ आया। इतना बड़ा धोखा मेरे साथ? हाँ धोखा किया है मैंने, हो गया मैं विजय परमार से धनंजय कुमार। सब कुछ तो मिल गया आपको, फिर भी आप मेरी जान लेना चाहते हैं? क्योंकि मैं चाहता था कि करोड़ों की दौलत सिर्फ मेरे बेटे को मिले, नवीन को। ये क्या किया आपने पापा? मैंने आपसे कब कहा था कि मुझे दौलत चाहिए? अरे बेटा गरीबी देखी नहीं है तूने, इसलिए पैसे का मोल नहीं जानता तू। चुप, बहुत गरीबी देखी है ना तुमने, हा? तो क्या हर गरीब अमीर बनने के लिए जुर्म के रास्ते पर निकल पड़ता है? अरे तुम्हें तो दौलत पॉकेट में मिली थी इसके पिताजी की। मगर नहीं, लालच का पेट कभी भरता नहीं। एसीपी, ये तेरा भाषण किसी और को सुनाना, अगर मुझे रोकने की किसी ने कोशिश की तो अश्विन के साथ वो भी मरेगा। चल बेटा। नवीन क्या कर रहा है? जिस उम्र में ऊपर वाले को याद करना चाहिए तुम अपराध कर रहे हो, हाँ? अच्छी बात नहीं है। बच्चों नया साल शुरू होने में 10 सेकंड बाकी है, काउंटडाउन शुरू करते हैं। 10 सेकंड बाकी है, काउंटडाउन शुरू करते हैं। सर कितने सालों बाद इतना बढ़िया न्यू ईयर मना रहे हैं हम लोग। हाँ सर,
बच्चों के साथ एकदम बच्चों वाली फीलिंग आ रही है। हैप्पी न्यू ईयर अंकल। अरे किट्टू बेटा, आपको भी हैप्पी न्यू ईयर। अंबिका दीदी अब तक नहीं आई। किट्टू बेटा, अंबिका दीदी बहुत दूर चली गई हैं, शायद कभी वापस नहीं आएंगी, पर वो तुमसे हमेशा प्यार करती रहेंगी। दूर कहाँ दूर? किट्टू बेटा, तुम्हारी अंबिका दीदी भगवान जी के घर गई है। मेरे मम्मी पापा भी वही हैं। हर कोई मेरे को छोड़ के भगवान जी के घर क्यों चला जाता है? किट्टू, आपकी श्रेया दीदी आपको कभी भी छोड़कर नहीं जाएगी। प्रॉमिस। तो चलिए इस नए साल में हम सब कुछ ऐसा काम करें जो लोगों की जिंदगी में कुछ फर्क ला सके, किसी उदास चेहरे पर मुस्कान आ जाएगी। किट्टू जैसे हमारे देश में न जाने कितने बेसहारा बच्चे हैं जिन्हें घर का सुख प्यार नसीब नहीं होता, जिनके वो हकदार हैं। तो चलिए इस साल इन बच्चों के लिए ऐसा कुछ करते हैं कि ये बच्चे इनकी मासूम खिलखिलाती हंसी चारों तरफ गूंजे, है ना बच्चों? ये बच्चे ही हमारे देश का भविष्य हैं। तो इन सभी बच्चों की तरफ से और CID की पूरी टीम की तरफ से हैप्पी न्यू ईयर। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।